तो आज देखो हमने ये ड्रेस पहन लिया है घर पे। हमारा कैसा ड्रेस है, आपको हमारा ड्रेस कैसा लगा? हमारा ड्रेस आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो में बताना। घर पे ये पहली बार पहना है, अभी बहुत धूप है, अच्छा व्लॉग बन रहा है। देखो ये सब डिजाइन कैसी अच्छी अच्छी बनाई है, पहली बार ट्राई कर रहे हैं हम तो। अभी रील बना रहे हैं इसलिए पहना है। राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, मई या मार्च फरवरी में स्टार्ट हो जाती है, लगभग मई महीने से स्टार्ट हो जाती है। 5वां 6वां 7वां महीना तक गर्मी गर्मी रहती है, तेज धूप होती है, इसलिए पेड़ लगाना ज़रूरी है। तो हमारे तो बहुत इधर पेड़ है, फिर भी ये छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ हमने लगाए हैं, इसलिए पेड़ गर्मी में भी काम आता है। लेकिन हाँ, जैसे तूफान आता है उसमें भी काम आता है, इतनी हवा होती है उसको ये रोक पाएंगे, तो जो भी अपना घर है उसमें नुकसान ना हो, पत्रे वगैरह सब नहीं उड़ेंगे, इसलिए पेड़ गर्मी के लिए और तूफान के लिए दोनों के लिए लगाना सही है। तो अपनी सेफ्टी हो जाए, आप सबको एक एक पेड़ लगाना है तो गर्मी से बचोगे और ऑक्सीजन मिलेगी। तो अभी मैंने बहुत सारे पहले भी पेड़ थे, कटिंग नहीं करवाया मैंने, कभी कभी ऊपर से कटिंग करना, पूरा पेड़ कटिंग नहीं करते। तो बहुत सारे घर के आसपास हमारे पेड़ है, तुलसी लगाई थी मैंने, इधर सब इसकी बीज है वो सब वापस उग गए। देखो बहुत सारे तुलसी निकल गई, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो यहाँ से शिफ्ट दूसरी जगह कर देंगे, छोटे छोटे जो पौधे हैं उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। और वो देखो आम का लगाया है पौधा, बड़ा होगा तब मालूम पड़ेगा। ये बादाम है, तो हमारी भैंस देखो ये वहाँ मैंने दिखाया था बाजरी में से, ये घास है, ये घास कटिंग करके लाया है इसकी मम्मी ने, मेरी मम्मी ने। दो तीन दिन में इसका बस आ जाएगा, ये मारने आती। देखो वहाँ पे भी बच्चे खड़े हैं, देखो मस्ती करते हैं, इसको नूटल नहीं होता है, इसका पैर घुमाना है लेकिन इसको नूटल नहीं हो रहा है। दो जैसे केयर से निकालने को ठीक लगा रहा है। देखो तो भी जाते हैं खेत में, शाम को बज गए हैं 6:30-7 बजने आए हैं, 6:40 हो गई है। अभी मैं खेत में जाता हूँ, सनसेट होने वाला है, देखो ऐसा कुछ नज़ारा है। ये मैंने फूल लगाया था, इतने फूल आए, देखो ये कम पानी में भी बहुत बड़ा हो गया, इसके फूल भी आ गए। ये हमारे टाका से पानी आता है, इधर से जाता है वापस बाजरी में। आज लाइट तो आई थी, पानी भी बाजरी में चला है, कितनी बड़ी बाजरी होगी देखो, मेरे से ऊपर तक बाजरी हो गई है। और ये हरी घास, इसको दरो बोलते हैं, बगीचे में नई घास आती है जैसी, ये ऑटोमेटिक वापस हो जाती है। ये हमारी बाजरी देखो, ये हमारे अंकल की है, इसमें भी मिनी फुहारा लगा हुआ है, वहाँ पे देखो अभी चल रहा है लाइट, वहाँ पे चल रही है, देखो वहाँ चल रही है। और वहाँ पे भी चल रही है, तो कुछ ऐसा नज़ारा है गांव का, नो पोल्यूशन, नई हॉर्न, शांत वातावरण, मोर भी बोल रहे हैं, ये
पूरा घास गाय भैंस के लिए। देखो वहाँ पे पाइप निकल गया है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, इतना पानी निकल रहा है वहाँ पे। यहाँ नोजल अटक गई है, कुछ तो है। शाम का कुछ ऐसा नज़ारा है। खेत में आए थे घूमने, अब जा रहा हूँ वापस। इधर आएगी बाजरी, इधर लगेगी, देखो बहुत बड़ी बड़ी बाजरी हो गई है। और कल हम जाने वाले हैं बाहर सुंदा माता, और जाएंगे कल जाएंगे सुंदा माता, खोड़ेश्वर और माता जी वहाँ जालौर साइड। कल हमारी यात्रा है छोटी सी, लगभग 100 किलोमीटर आसपास है। वहाँ पे झरना वगैरह सब दिखाई देगा। तो कल हम जाने वाले हैं यात्रा में माता जी के दर्शन करने के लिए और महादेव जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से सुबह जल्दी निकलेंगे। तो आप सब हमारा व्लॉग पूरा देखा करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आप हमारा सपोर्ट करो। जो भी हम यात्रा करेंगे वो आप सबको दिखाएंगे। तो आप सबको शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है और सपोर्ट करना है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शाम हो गई है तो अभी आपको मिलते हैं सुबह। देखो अभी सूर्य भगवान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बादल कुछ ऐसे हैं, बारिश आने की कोई संभावना नहीं है अभी तक। तो दोस्तों गुड नाइट, गुड बाय। खेत में हैं, तीतर बोल रहे हैं, मोर बोल रहा है, मोर तो पेड़ पे बैठ गया ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, बाय।